जब तक हम उसकी निगाह में नहीं रहते तब तक कोई अच्छा कार्य हम जीवन में कर नहीं सकते। हम पर उसकी दृष्टि है, हम पर उसकी निगाह है और उसकी दया की दृष्टि हम पर है तो हम कोई अच्छा कार्य कर पाए। जो गाय चराने वाले होते हैं, भैंस चराने वाले होते हैं, बकरी चराने वाले होते हैं, इधर बड़ौदा के आसपास में भी आते होंगे, हमारे यहाँ उधर मध्य प्रदेश में तो आते ही हैं, परंतु मुझे उम्मीद है कि इधर भी आसपास में ऊंट लेकर, भेड़ बकरी लेकर, गाय लेकर, भैंस लेकर आते हैं और वो चराते हैं। उनकी निगाह में बकरी रहती है, गाय रहती है, भैंस रहती है, ऊंट रहती है। जैसी उनकी निगाह हटती है वो भैंस, वो बकरी, वो ऊंट कहीं गलत जगह चले जाते हैं तो फिर वो डंडा लेके पीछे दौड़ते हैं। भैंस, बकरी, ऊंट, गाय सब उनकी निगाह में है तो वो उनको गलत जगह पर नहीं जाने देते। निगाह हटती है तो बकरी, भैंस, ऊंट, गाय ये सब गलत जगह चले जाते हैं तो फिर वो डंडा लेकर दौड़ता है, और अगर गलत जगह चली गए तो फिर वो बाद में मिल पाती नहीं मिल पाती, फिर उनको कांजी हाउस में बंद कर देते हैं या फिर डंडे से घेरते हुए मारते हुए उधर से लेकर इधर आ जाते हैं। चराने वाला जो होता है, गाय चराने वाला, भैंस चराने वाला, जब तक उसकी निगाह पड़ती रहती है ना तो वो उसको कहीं गलत जगह जाने नहीं देता। उस भैंस को, उस गाय को, बकरा बकरी को, भेड़ को, ऊंट को वो गलत जगह जाने नहीं देता। बस उसकी निगाह जब हट जाती है तब वो गलत जगह पर जाते हैं, फिर वो डंडा से दौड़ कर आते हैं या फिर कांजिया उसमें पड़ जाते हैं। उसी तरह हम जब तक परमात्मा की निगाह में रहते हैं, हम जब तक भगवान की निगाह में रहते हैं, जब भी आप सत्कर्म करें, कथा सुने, भजन करें, टीवी के सामने बैठकर अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, या इस पावन बड़ोदरा के प्रांगण में मैदान में बैठकर शिव महापुराण की कथा लाखों की संख्या में आकर सुन रहे हो, तो तुम ये अंदाजा लगा कर बैठना कि हम जरूर परमात्मा की निगाह में हैं, इसलिए हम अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं। जब उसकी निगाह हट जाती है तब हम गलत जगह पर जाते हैं, फिर हम मदिरा पाने में, मांसाहार में, व्यसन में, व्रतियों में, जुए में, गलत काम में। वो निगाह में रखता है तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि ये गलत जगह चले जाए। जिस दिन आप गलत जगह चले जाओ उस दिन परमात्मा से कहना, आज मैं आपकी निगाह में नहीं हूं क्या जो तुमने मुझे गलत जगह भेज दिया, गलत राह पर पहुंचा दिया। सही जगह पर अगर चल रहे हो, सही जगह पर अगर जा रहे हो, सही मार्ग पर यदि आप चल रहे हो तो ये परमात्मा की निगाह में हो। परमात्मा की दया है आप पर, परमात्मा की कृपा है आप पर, इसलिए आपने सत्मार्ग अपनाया। एक साधारण सा रुद्राक्ष लाल धागे में आपने गले में पहन लिया, गले में कोई सोने की चेन नहीं है, कोई हार नहीं है, केवल एक रुद्राक्ष है। अंदर तुम प्रवेश करे, मार्ग में, रास्ते में कहीं घूम रहे थे, चोर भी घूम रहे थे। एक चोर ने दूसरे चोर से कह दिया, क्या करेगा इसके पीछे जाके, कुछ नहीं है इसके गले में, मैंने देख लिया, केवल एक रुद्राक्ष पड़ा। एक रुद्राक्ष केवल तुम्हारे गले में है तो चोर भी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ रहा, चोर भी तुम पर दृष्टि नहीं दे रहा, चोर भी तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा। जरा विचार करिए, वो रुद्राक्ष ने यहां चोर से बचा लिया, उस रुद्राक्ष ने
बड़ी से बड़ी बीमारी से बचा लिया और वो रुद्राक्ष ने नरक पड़ने से भी बचा लिया भगवान की शरणागति। एक रुद्राक्ष आपके गले में है तो उसने ये जन्म भी सुधार दिया और वो जन्म भी सुधार दिया। केवल एक रुद्राक्ष का फल, एक रुद्राक्ष, और कभी जिंदगी में शर्म मत करना रुद्राक्ष को धारण करने में, एक रुद्राक्ष पहनने में कभी शर्म मत करो। मृत्यु लोक का ना जाने कितना कितना जीवन हमारा जो व्यर्थ जाता है उस जीवन को संवारने का काम एक रुद्राक्ष करता। एक पत्र देखिए, एक रुद्राक्ष का बल। जितने भी बेटा बेटी अगर इस कथा को सुन रहे हैं, जितने नवयुवक छोकरा छोकरी डिकरा डिकरी इस कथा को सुन रहे हो, आप बहुत एग्जाम दे रहे हो, बहुत परीक्षा दे रहे हो, हर जगह पर आपको अगर कहीं ना कहीं तकलीफ आ रही है तो एक बार कहीं मौका मिल जाए, जो रुद्राक्ष तुम्हारे घर में हो, जो रुद्राक्ष आपके पास में, आप तो वो रुद्राक्ष अपने गले में लाल धागे में धारण करना प्रारंभ करिए। कुछ नहीं तो एक बार प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। पर साथ में शंकर भगवान का भजन, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना मत भूलना, उससे निवेदन करना मत भूलना, उसकी कृपा होती जरूर है। शिव ने जब आपने दिल से करा, दिखावे से नहीं, मेरे शंकर भगवान को जल चढ़ाओ पर छल से मत चढ़ाओ, मेरे शंकर भगवान को जल चढ़ाओ मना नहीं पर उसको छल से नहीं चढ़ा, उसको दिखावे से नहीं चढ़ा। इतनी शीतलता इतनी शांति से आप लोगों ने, गुजरात वालों ने इस पावन कथा को सुना है और इतनी शीतलता से सुना है, इतनी शांति से सुना है कि एक सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज आ जाए, इतनी शीतलता से आपने श्रवण करी है तो मेरा बाबा भी उतनी शीतलता से देगा जरूर, ये निश्चित है। आपकी ये शीतलता, आपकी सादगी, आपका संस्कार ये बता देता है कि हम परमात्मा की अविरल भक्ति को पाना चाहते। कोई एक व्यक्ति कहीं जा रहा था दिवाली के समय पर, पूछ लिया, क्यों रे दिवाली के टाइम कहां जा रहा तुम, भी बैग में तैयार करके, अरे गुरुजी नेपाल जा रहा है। हमने कहा बताओ दिवाली का समय है नेपाल जाके क्या करोगे, अरे गुरुजी कंपनी की तरफ से जा रहा है। तुमने कहा कंपनी की तरफ से जाओ तो मतलब रुकने की व्यवस्था उन्हीं की, खिलाने की व्यवस्था उन्हीं की, पानी की व्यवस्था उन्हीं की, सारी व्यवस्था उन्हीं की, अपन तो कंपनी की तरफ से गए हैं, बस तुम और हम भी कंपनी की तरफ से आए हैं। जब भगवान देवाधिदेव महादेव ने, जब स्वयं मेरे शंभु महेश ने अपने इन महेश्वरी बंधुओं से, अपने परिवार वालों से कहा अब कंपनी तुम्हें संभालना है, कथा हो रही है तुम्हें देख, हाथ में आ गया तुम्हें लिख लाया, कहीं शिव कृपा है, कहीं शंकर की उदारता, कहीं दया, और यही आनंद होना चाहिए। इससे हमको देखने को मिला कि समाज की एकता किसको कहते हैं, समाज का प्रेम किसको कहते हैं, एक आनंद किसको कहते हैं, वो समझ में आता है। आप और हम उसने यहां पर भेजा है तो आए। उसकी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। फिर कहीं बाबा फिर कृपा करेगा, और जितने लोग इस कथा में बैठे हैं ये मेरा विश्वास करता है, किसका हाथ पकड़कर भगवान ऊपर उठा दे और कह दे कि अगली कथा तुझे कराना है तो भी कोई भरोसा नहीं, वो पकड़ता है, पकड़ने वाला वो है। भगवान धन कभी नहीं देखता, भगवान मन देखता। लोग कहते हैं गुरुजी कथा में करोड़ों का खर्चा होता है, कई बार भोजन व्यवस्था है, पंडाल व्यवस्था है, साउंड व्यवस्था है, रुकाने की व्यवस्था है, लेट बात व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं रहती हैं,
बहुत व्यवस्था करना पड़ती है, तब साधारण व्यक्ति कैसे कथा करा सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है आप संकल्प लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, कराना तो देवाधिदेव महादेव को। कहां से भेजेगा, कैसे भेजेगा, किसको भेजेगा, कब भेजेगा? सेठों का सेठ सांवरिया सेठ, बाकी का जितना भी सेठ बना घूमे ये सारा डुप्लीकेट। इनने कौन सा सेठ का काम कर दिया, इनने कौन सा किसका 56 करोड़ का मायरा भर दिया, इनने कौन सा किसको दे दी खूब सारे वस्त्र। एक सेठ कहीं का बता दो जो इतना सेठ बनकर फिरता है कि मैंने 56 करोड़ का मायरा भरा। एक तो लेकर आओ कि 56 करोड़ का मायरा भरने वाला है। कौन है जिसने द्रौपदी जैसा चीर बढ़ा कर दे दिया हो, कौन है जिसने कुछ ना कुछ प्रदान करता रखा हो, कौन है जो नामदेव के लिए मंदिर का गेट पलट देता हो, कौन है जो संत तुकाराम के लिए कंधा आगे कर देता हो? वो सेठ दुनिया में कोई सेठ नहीं। पर लोग कहते हैं हम सेठ जी, हम सेठ जी, हम सेठ जी। काहे का सेठ जी, अभी जरा सा बहन बेटी की यहाँ शादी आ जाए ना, और ननंद की यहाँ शादी आ जाए तो भाभियों का मुंह भगोना हो जाए। और क्या हम सेठ, हम सेठ, फिर 25 बार कहेगी चार भाई का परिवार है, चारों मिलके मायरा भरेंगे। अभी तो कहती फिर रही थी सेठानी, और अब कहती मायरा चारों भाई मिलके भरेंगे। हमने धन दिया, अकेली कह देती तीनों भाइयों से कह दो कोई भी तैयारी मत करना, मैं ननन भाई की यहाँ, जी जी भाई की यहाँ, मेरी बहन की यहाँ, बेटी की यहाँ, सारा मायरा मैं भरूंगी, तैयारी मैं करूंगी, और जाऊं अभी जाऊं जी जी की यहाँ, और कहूं उसको हाथ पकड़कर 1 लाख रुपए ने हाथ में लेकर चल रही बहन कितना कपड़ा खरीदना, कितना सामान खरीदना, ले चल मेरे साथ में। अब तुमने केवल इतना ही किया कि मैं ननंद का पूरा मायरा भरूंगी, बस तुमने जो दमदारी से कहा, अब तुम्हें मायरा नहीं भरना, मायरा उसको भरना है, आएगा सांवरिया से तो भर कर जाएगा। पर टेंशन तो सबसे पहले शादी बहन के आती है, और भगोना जैसा मुंडा तुम्हारा हो जाता है। भाई के भी रहा है, जी जी के यहाँ शादी है, थोड़ा अच्छा समान हाँ, उन्हें कौन सा दे दिया तुमको? अपने अभी तो शादी थी, उन्हें कौन सा अच्छा काम दे दिया, अच्छा सामान दे दिया? तुम चुप रहो, रीत का रायता करें। और मालूम पड़े रीत के रायते की जगह उसमें तो बूंदी नहीं थी, केवल छाछ और दही दही था। और रीत का रायता की करुणा की कथा है, शिव महापुराण की कथा। जब व्यक्ति माया में फंसता है तो उसको नरक भोगना पड़ता है, जब व्यक्ति महादेव के प्रेम में फंसता है तो उसको सारे बैकुंठ का सुख भोगना पड़ता है। ये उसके लिए नरक का रास्ता नहीं खोलता है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप जब भगवान शिव को दे रहे हो, दिल से समर्पित कर रहे हो, मन से प्रदान कर रहे हो, तो वो सुख देगा, ये निश्चित है। उसमें आनंद तक का अनुभव होगा। महाराज आप ये विचार कर लेना कि अगर आप शिव महापुराण में गए हो, मंदिर गए हो, देवालय गए हो, तीर्थ गए हो, शिव मंदिर तक गए हो, तो समझ लेना कि आप उसके पैकेज में चल रहे हो और उसकी दृष्टि में हो, इसलिए आप आनंद के साथ घूम रहे फिर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आजकल के जमाने में तो हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, री बड़ोदरा की जीजियों और जितने जीजा हूं बैठे हैं, इनने भी देखा होगा, आजकल नई नई कंपनी आ गई है, ऐसी कंपनी कि तुम्हें बद्रीनाथ की यात्रा में जाना है, या सोमनाथ जी की यात्रा में जाना है, या आपको गोवा जाना है, या आपको नेपाल जाना है, ऐसी कंपनी है जो यहाँ पर पैसा तुमने बस जमा कर दिया, एक बार तुमने पैसा जमा कर दिया, फिर तुम आओ उतरते से तुम्हारे लिए गाड़ी तैयार है। बोलो रे ऐसी कंपनी है कि नहीं? अरे मुंडा से तो बोलो है ना ऐसी कंपनी, एक बार पैसा जमा कर दो तो वहां तुम्हारे लिए गाड़ी आ जाएगी, होटल की बुकिंग हो गई, कहाँ ठहराना है वो बताएगा, कहाँ ले जाना है वो बताएगा, तुम्हारी अटैची भी वही उठाएगा, सब काम वो करेगा। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि पोटली बांध के कपड़े भी ले चलो ने, बर्तन भी ले चलो ने, सत्तू भी ले चलो ने, चावल भी ले चलो ने, दाल भी ले चलो, बनाना पड़ेगा। आज के जमाने में ऐसा काम नहीं, आज का जमाना तो VIP, इन्होंने केवल पैसा जमा करा और सारा सामान, अटैची उठाने वाला भी, चाय लाकर देने वाला भी, सरजी 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 सलूट मारने वाला भी तुम्हारे सामने होगा। बस जैसे एक बार पैसा जमा कर दो तो वो तुम्हारा सरजी सरजी करता रहता है, उसी तरह एक बार शिव महापुराण की कथा सुन लो और शंकर पर एक बार जल चढ़ाना चालू कर दो, फिर वो सारे मार्ग खोल देगा। होटल भी मिलेगा, न टिफिन भी मिलेगा, न गाड़ी भी मिलेगी, न बंगला भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा। बस पुराने लोग सामान लेकर चलते थे, आज के लोग चतुर है, ये सामान वामान लेकर नहीं चलते, ये तो केवल जेब में 2000 के नोट की एक गड्डी फंसाते। और इन्होंने जेब में 2000 के नोट की गड्डी फंसाई, फिर ये
रूम जी सर, भोजन जी सर, गाड़ी जी सर, क्योंकि जेब में क्या फंसी है, बोलो बोलो जम के बोलो, 2000 के नोट की गड्डी। जब 2000 के नोट की गड्डी से होटल गाड़ी भोजन सब मिल सकता है, तो दो अक्षर के राम नाम से भी सब कुछ मिल सकता है। सर अंतर इतना है, 2000 का नोट यहां चलता है। वारे चतुरो, क्या जोरदार, हमको मालूम होता तो आधा प्रवचन तुमसे करवाते पक्का है। क्या जोरदार जोरदार, एक बात तो है गुजरात गुजरात है जी, सही है बिल्कुल जोरदार। धन्य बड़ोदरा वालों, प्रणाम, खूब खूब साधुवाद। अब कह सकते केम छो, मजा मा, बस ये आनंद है, मिठास। 2000 का नोट यहां चलेगा और दो अक्षर का नाम वहां चलेगा। यहां भी जेब में नोट रखना पड़ता है और राम नाम को दिल में रखना पड़ता है, दोनों साथ दे जाते हैं। 2000 यहां साथ देगा और राम नाम वहां साथ देगा। पूछा जाएगा तुम्हारे पास में अगर कोई वो कार्ड हो तो उसको ऐसे फंसा दो, फंसा के तुम कमरे में आराम से जाओ। आजकल तो होटल में भी रूम ऐसा आ गया, बिना कार्ड का कमरा ही नहीं खुलता। पहले तो चाबी वाला कमरा होता था, आजकल तो कार्ड वाला हो गया, कमरा में भी फंसाना पड़ता है तब कमरा खुलता है। हम भी यही सोच के बैठे, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम वो कार्ड है, जब तक इसको फंसाओगे नहीं तब तक बेकुंठ जाओगे, वो बेकुंठ जाने का मार्ग प्रशस्त कर देता है वो कार्ड। शिव नाम राम नाम कृष्ण नाम ये तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी भगत शंभो मैं तेरी भगत। हम कहां बैठे हैं, ये उसकी कृपा से बैठे, तीर्थ क्यों जाते हैं, कथा में क्यों जाते हैं, संतों के पास क्यों जाते हैं, कहीं कहीं सिद्ध जगह होती है, जैसे जाओ तो कुबेर भंडारी का मंदिर भी बड़ा सिद्ध है, आगे जाओ तो पावागढ़ वाली माता का मंदिर भी बड़ा सिद्ध है, फिर कहा हमारे यहां स्वामी नारायण भगवान का मंदिर भी बड़ा सिद्ध है गुरुदेव, फिर कहा हमारे यहां गोवर्धन नाथ जी की हवेली है, ठाकुर जी की हवेली, वो भी बड़ी सिद्ध है गुरुदेव। सिद्धता आई कैसे, कोई संत कोई साधु कोई गुरुजन कोई भगवान की भक्ति में रमने वाला उस भूमि पर बैठा होगा, उसने बैठकर भजन किया होगा, तब जाकर भूमि सिद्ध हो पाती है। और सरल भाषा में चलो, ये तो ठीक है अपनी जगह पर, और सरल में चलो, जिसकी जमीन उपजाऊ नहीं होती, जिसके पास में खाद नहीं होता, जिसके पास में पैसा नहीं होता खाद डालने के लिए, वो क्या करता है, वो किसान क्या करता है, फिर राजस्थान से कोई ऊंट और भेड़ लेकर आता है, राजस्थान से जब वो ऊंट और भेड़ लेकर आता है तो जिसके पास में खाद नहीं होता, जिसके पास में जमीन में लगाने के लिए पैसा नहीं होता, वो भेड़ वाला जो भेड़ लेकर आता है बकरी लेकर आता है, उसके हाथ जोड़कर कहता है कि तुम्हारी बकरियों को तुम्हारी भेड़ों को एक रात के लिए हमारी जमीन पर रखो। बोलो रे सही है कि गलत है, एक रात्रि हमारी जमीन पे तुम्हारी भेड़ बकरी को रखो, क्यों, उसके पास में खाद नहीं है, उसके पास में जमीन में लगाने के लिए पैसा नहीं है, उसके पास में यूरिया खाद कुछ नहीं है, वो तो गरीब बड़ा बेचारा। तो उसने कहा एक काम करो, ये बकरी ये भेड़ ये ऊंट आप हमारी जमीन पे एक रात्रि के लिए रखो, और एक रात के लिए भेड़ बकरी को अपनी जमीन पर बिठा देता है, रख देता है, उससे फिर वो भेड़ बकरी दूसरे दिन चली जाती है तो इतना खुश होता है कि मेरी जमीन में वो बल आ गया कि 5 साल तक खाद देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार बैठी वो भेड़ बकरी एक बार जमीन पर बैठी और जमीन को इतना बलवान बना दिया कि 5 साल खाद देने की
जरूरत नहीं पड़ी, वो जमीन इतनी बलवान हो गई कि उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, कोई खाद की जरूरत नहीं, केवल वहां वो भेड़ बकरी बैठे थे, इसलिए 5 साल उस जमीन में बल आ गया और फसल भी एक नंबर आई। उसी तरह हम जितने तीर्थ में जाकर बैठते हैं, हम जितनी कथा में जाकर बैठते हैं, हम जितने तीर्थ कोई सिद्ध जगह पर जाकर बैठते हैं, इसका कारण क्या है? वहां पहले कोई संत, कोई गुरु, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक वहां बैठा होगा। उसके बैठने से जैसे वहां भेड़ बकरी बैठी, तो 5 साल के लिए उस जमीन को उपजाऊ बना दिया। कोई संत उस भूमि पर बैठा होगा, किसी ने वहां बैठकर भजन करा होगा, तब साधना करी होगी, तो वो जमीन इतनी सिद्ध हो जाती है, इतनी बलवान हो जाती है कि दो जो जाकर बैठता है उसको वहां पावर मिल जाता है और उसका आनंद हो जाता है, वहां सिद्धता। 5 साल तक वो जमीन उपजाऊ रहती, 5 साल तक उसको खाद डालने की जरूरत नहीं। अब वहां वो बैठी तो 5 साल खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ी। तीर्थ जाकर हम बैठते हैं, संतों के पास जाकर बैठते हैं, सदगुरुओं के पास जाकर बैठते हैं, कथा में जाकर बैठते हैं, वहां जब हम बैठते हैं तो इतने सारों में कोई ना कोई एक सिद्ध ऐसा आता है जो केवल कथा का रसतत्व लेने आता है, देव अधिदेव महादेव से मिलन के लिए आता है, उसके पांव पंडाल में पड़ जाते हैं और अपन सब एक दूसरे के पास पास में बैठते हैं, तो उसकी तरंग हम में आ जाती है और हमारा भी कार्य सिद्ध हो जाता है, इसलिए हम पंडाल में पहुंचते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी आस्था चैनल पर कथा आ रही है, फेसबुक के ऊपर चल रही है, इतनी भीड़ पंडाल में पड़ रही है, इतनी भीड़ पड़ रही है, हम लोग यहां से सुन ले। हमने कहा सुनो, आस्था चैनल पर सुनो, फेसबुक के ऊपर सुनो, पर अपने नगर में अगर कथा हो तो भले एक दिन के लिए जाओ, 2 दिन के लिए जाओ, आधे घंटे के लिए जाओ, पर अपने क्षेत्र में कथा हो तो जरूर जाओ। क्यों? अगर ये डोरी लंबी है और इसका पिलक सही जगह फिट हो गया तो ये पक्का है कि पंखा चलेगा जरूर। जाओ तुम एक बार, अगर अपने नगर में कथा, अपने क्षेत्र में कथा हो, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर भी कथा है, 300 किलोमीटर दूर भी है, तो एक बार विचार करना कि मेरे को जाना, मेरे नजदीक में, मेरे पास में, मैं जाऊंगी, पहुंचूंगी। क्यों? इतने सुनने वालों में से कोई एक अगर ऐसा धर्मात्मा आ गया, एक पुण्यात्मा आ गया जो शंकर का प्रिय है, जो शिव का आनंदित है, उसकी तरंग, उसके पांव की रज, उसके चरणारविंद की रज अगर हमारे शरीर तक भी पहुंच गई तो हमारा कल्याण निश्चित है, फिर बाबा हमारा आनंद देगा। करोड़ों लोग एक साथ भगवान का भजन करते हैं, लाखों लोग कीर्तन करते हैं, सिद्ध जगह हो गई। कई लोग कहते हैं गुरुजी वो कुबेरेश्वर धाम आपका सीहोर का, हम वहां हम लोग गए, वहां से मिट्टी लाए, हम ये करे, हम वो करे, हम वहां से कंकर लिया, उसका आनंद हमको मिला, उसका फल हमको मिला, वहां ऐसा क्या है? हम कहते हैं कुछ नहीं, केवल वहां बैठकर जो भजन करने वाला है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वहां जो भूमि का कंकर शंकर है, वहां केवल भजन करने वाला केवल दिल से पहुंच जाता है। एक पत्र बैठकर कथा सुन रहे हो, कहीं ना कोई भक्ति का बल, कहीं ना कहीं भगवान की अविरल भक्ति का बल जरूर मिलता है, जिसके कारण हमारा आनंद सुख हमें प्राप्त होता है, भक्ति का बल मिलता है। महाराज परमात्मा से इतना जरूर कहते रहा करो, भगवान नींद पूरी हो या ना हो पर मेरा स्वप्न पूरा जरूर करना, जो मैंने देखा है एक बार तेरी भक्ति करने का जो स्वप्न देखा है, एक बार शिव महापुराण की कथा करवाने का जो सपना देखा है, रोज टीवी देखते देखते मेरे भी मन में आता है मैं भी आनंद के साथ शिव पुराण कराऊं, ऐसी कृपा करना, ऐसा धन देना, इतने भक्त आए सबकी व्यवस्था सुचारू रूप से करी, ऐसा मुझे भी वैभव और धन देना कि मैं भी किसी के आगे हाथ न फैलाकर भगवान की ऐसी कृपा हो जाए कि पूरा समाज पूरा कुल जुड़कर शिव महापुराण की कथा का आनंद कर सका। नींद पूरी हो ना हो पर स्वप्न पूरा तू जरूर करना, मेरा महादेव तेरे ऊपर है, तू करेगा ये निश्चित है। छोड़ता नहीं है, करता जरूर है। एक बार एयरपोर्ट के अंदर घुस गए, पहुंच गए, प्रवेश कर गए, तुमने अपना एक बार एयरपोर्ट के अंदर चले गए और एक बार तुम्हारा आईडी टिकट विकेट सब बन गया, उसके बाद मां सील ठप्पा लग गया, उन्होंने चेक कर लिया, उसके बाद तो जिस फ्लाइट का तुम्हारा टिकट है वो फ्लाइट वाले तुमको ढूंढ के अंदर हवाई जहाज में जरूर भरे, ये निश्चित है।
तुम भले बाथरूम में छुप जाओ चाहे कहीं पे भी छुप जाओ, आवाज लगाएंगे, जी जी कमला बहन जहां कहीं भी हो तुम्हारी फ्लाइट खड़ी है, फ्लाइट लेट हो रही है तुम्हारे चक्कर में, कमला बहन छुप के बैठी, नहीं जाऊं जा। एक बार सील ठप्पा लग गया ना, एक बार बस चेक हो गया, फिर अंदर बस तीन नंबर गेट से तुम्हारी फ्लाइट मिलेगी, वहां जाकर तुम्हें बिठा दिया, अब तुम कहीं जाके छुप जाओ, फ्लाइट वाला तुम्हें ढूंढेगा। उसी तरह एक बार जो शिव महापुराण में जाकर बैठ गया और तुम एक बार शिव पुराण में आ गए और तुम्हारा सील ठप्पा लग गया, फिर तो वो तुमको ढूंढेगा, कमला गई कहां है, तो वो ढूंढेगा कहां गई है। अच्छा ट्रेन में ऐसा नहीं होता, होता ट्रेन तो चली जाएगी, वो तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, बस गाड़ी में भी नहीं होता, तुम कहीं से भी आ रही हो और किसी ने कहा वो तो आई नहीं, अपन गाड़ी ले चले कि नहीं ले चले, अपन तो चलो रही बता जाएगी कोई बात नहीं, और तुम तो ऑटो में बैठे बैठे ये चली कथा में, वो किसी का इंतजार करे, ट्रेन किसी का इंतजार करे, पर फ्लाइट उसको मालूम पड़ गया कि तुम अंदर आए हो और फिर तो तुमको ढूंढेगा, गया कहां, अभी तो था तो ढूंढो उसको, फिर इसकी फ्लाइट लेट हो रही है, फिर वो ढूंढेगा। उसी तरह एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच गए, एक बार भगवान की भक्ति में पहुंच गए, एक बार शिवालय तक पहुंच गए, एक लोटा जल लेकर शंकर के द्वार तक पहुंच गए, एक बेलपत्री भगवान शंकर तक लेकर पहुंच गए, उसके बाद में फिर उसको संभालना है, लेकर भी वही जाएगा, संभालेगा भी वही, और फ्लाइट के अंदर कुरकुरा भी वही देगा। फिर तो देवलोक से अफसर आए जैसे फ्लाइट में घूमे, ऐसे तुम्हारे पास आकर बोलेगी एक्सक्यूज मी सर क्या दूं आपको, क्या प्रदान करो, फिर अपन वो ऑप्शंस बताएगी कि ये दे दो, कि ये दे दूं, कि ये दे दूं, फिर अपन कह देते काजू दे दो, फिर अपन बोले बादाम दे दो, अपन ने किया हमको तो मैंगो का जूस दे दो, हमें अनार का जूस, अपन ने बोला। उसी तरह वो भी पूछेंगे, तूने बड़ोदरा की कथा सुनी थी, शिव महापुराण की कथा सुनी थी, वहां बैठकर कथा का अस्तित्व ग्रहण करा था, अब तू कैलाश धाम शंकर भगवान की कथा सुनकर जा रही है, बता तेरे लिए क्या है, कुछ नहीं, बस वंस मोर, एक बार फिर मुझे पृथ्वी पर जन्म दे दो, वही बड़ोदरा में मेरा मन है, एक बार फिर कथा कराऊंगी, फिर कृपा हो उसकी, फिर दया हो उसकी, मुझे फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है, मुझे फिर एक लोटा जल शिव को चढ़ाना है। ना हमारे पास में तंत्र है, ना मंत्र है, ना कोई भभूत है, ना कोई विद्या है, ना बांधने के लिए मौली है, ना कोई नारियल है, ना कोई धागा है, यहाँ तो केवल प्रेम का बंधन है देवाधिदेव महादेव से आप। और कई लोग कहते हैं क्यों महाराज ऐसा क्या है तुम्हारे पास में, या लाखों लोग ये काय का प्रभाव, ये प्रभाव मनोभाव दिखाने के लिए नहीं आते हैं, ना तो तुम हमको प्रभाव दिखाने आओ, ना हम तुमको प्रभाव दिखाएं, हम तो उसके सहारे पर आते हैं और कथा कर कर चले जाते हैं, वाचता वो है, सुनता वो है, और कथा करवाता भी वही है, केवल अपन निमित्त मात्र हैं, केवल निमित्त। और आपको सीओर वाले महाराज से मतलब रखना भी नहीं चाहिए, दूसरे महाराज कहें कि हमसे मतलब रखो, उनसे रखो, पर हमारे से मतलब मत रखो, आप मतलब रखो देवाधिदेव महादेव से, आप मतलब रखो सांवरिया सेठ से, आप मतलब रखो चारभुजा नाथ से, आप मतलब रखो नाथ द्वारा के नाथ से, आप मतलब रखो पावागढ़ वाली माता से, आप मतलब रखो एकलिंग जी से, आप मतलब रखो द्वारिका के नाथ से, आप मतलब रखो नवनाथ से, आप मतलब रखो कुबेर भंडारी से, तुम्हें किसी व्यक्ति या विशेष से मतलब नहीं रखना, हमें मतलब रखना हमारे परमात्मा से। और परमात्मा कभी आपको ढोंगर प्रपंच में नहीं पटकेगा, परमात्मा कभी आपको ढकोसले में नहीं ले जाएगा, अंधविश्वास में नहीं ले जाएगा, मंदिर में जाना अंधविश्वास नहीं होता, एक लोटा जल चढ़ाना अंधविश्वास नहीं होता, परमात्मा का भजन करना अंधविश्वास नहीं होता, वो परमात्मा के भजन में लग जाओ बस, और कुछ भी नहीं करना। हम भ्रम में ना पड़े, हम भगवान की भक्ति में पड़े, और जिस दिन हम भगवान की भक्ति में पड़ गए उस दिन हमें सुख अनुभव हो जाए। कई जगह पर लोग भटक जाते हैं, खूब भटकते हैं, सब बहुत बहुत भटकते हैं। कोई कहे इनको देवता आते हैं, कोई कहे इनको देवी आती, कोई कहे इनको ये आते, हम कहते देवी देवता भी फ्री बैठे इन्हीं को आते, जब तो हम छोटे थे सुमानी जी, एक बार पहले एक बार एक गांव में कथा करने गए, मां सबको आ गए, वो व्यासपीठ के सामने खूब चिल्ला चोट कर रहे, कहके इनको ये आए, इनको ये आए, इनको ये आए, एक बाई बैठी थी माताजी, उसको कुछ नहीं आ रहे थे,
बस वही अच्छी थी, बाकी के सब बैठे हुए थे, तो उसको भी आ गया, उन्हें भी यूज कर। अब जो उसने यूज कर, तो अब हमने संजय महाराज से कहा पूछो जरा इनसे इनको कौन आया है। तो इतने में सबको सब आ रहे थे कि इनको ये देवता आया, उनको भी देवता आया, इनके भी देवता आया। तो वो के यूज करिया तो उसे पूछा तुम कौन, तो के मैं भागवत जी आई। अब बताओ भागवत की कथा चल रही थी, अब भागवत उसको आ गई। तो हमने कहा बताओ यही बची थी, सब आते थे ये और रह गई थी। तो गुरु जी अपन क्या करें, हमने कहा आई गई है तो एक काम करो आठवां स्कंद का छठा अध्याय से बचवा लो, अब अपन उठ जाओ, अब आई गई है तो उनसे कहा चालू करो। तो कि भागवत जी तो गई उतनी देर में चली भी गई, अब भी आई थी 15 मिनट में नहीं रुकी गई। कथा फिर चल, कहां हम पड़े हुए हैं, कहां हम जा रहे हैं, जरा विचार तो करो किस किस ओर हम चढ़ते चले जा रहे हैं। हम भगवान को छोड़कर परमात्मा को त्याग कर हम किस भ्रम की ओर जा रहे हैं, हम किस मार्ग की ओर भटक रहे हैं। सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, वो बैठा है ठाट से, द्वारका नाथ बैठा है ठाट से, चार भुजा नाथ बैठा है ठाट से, मेरा भोलेनाथ बैठा है ठाट से, मेरा राम कृष्ण बैठा है ठाट से। वो कभी नहीं कहता कि मैं कहीं आऊंगा, वो तो एक बात कहता है तू मेरे मंदिर तक आ, तेरे दरवाजे पर खड़े रहना मेरा काम है। मैं राजा बलि के दरवाजे पर खड़ा रहा तो तेरे दरवाजे पर खड़ा रहूंगा। हम भटके ना, हम भ्रमित ना हो, हम अंधविश्वास की ओर या ढोंग और प्रपंच की ओर ना जाएं, हम परमात्मा की ओर बढ़े। एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर तक जाने की आदत हमारे घर के छोटे से छोटे बच्चों को डाल दें, घर के एक एक व्यक्ति के मन में चित्त में ये आ जाना चाहिए कि शिव भक्ति क्या है, शंकर की शरणागति क्या है, शिव का अनुमोदन क्या है, भगवान की अविरल भक्ति क्या है। कल्याण करना उसका काम है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना, जम के बोलो जरा, बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट तक मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा है। आगे उसकी मर्जी है, वो दिखाएगा, वो आएगा, उसकी शरणागति हमें मिलेगी, ये निश्चित था। क्यों भटके, महाराज एक प्रसाद की कितनी महत्वता होती है। कभी धनंजय और सुलक्षणा से पूछा जा, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है, मानपूर्णा की। पूरे भारत में 21 दिवस का मानपूर्णा का व्रत भी रहता है, यहां लोग करते हैं कि नहीं करते वो नहीं मालूम, इधर होता है, यहां करते ना करते पता नहीं, पर कई जगह पर कहीं 17 दिवस का, कहीं 16 दिवस का, कहीं 21 दिवस के मानपूर्णा का व्रत भी लोग करते हैं। जरा विचार करिएगा, मानपूर्णा का प्रागट्य क्यों हुआ था, शिवजी को ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी जो मानपूर्णा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने पहुंच गए। और जब माता अन्नपूर्णा शंकर भगवान को भिक्षा देना ही नहीं चाहती थी तो शंकर भगवान उनके दरवाजे पर गए क्यों। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, क्या जरूरत पड़ गई। महाराज मेरे देव अधिदेव महादेव बैठे हैं कैलाश पर, इतना पाप बढ़ गया संसार में, इतना पाप बढ़ गया कि पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया, झरनों ने, नदियों ने, सरोवर ने, तालाब ने जल देना बंद कर दिया, कुएं, बावड़ी, तालाब जल नहीं दे रहा है, पृथ्वी अन्न नहीं दे रही है। ना पृथ्वी अन्न दे रही है, ना सरोवर, तालाब, बावड़ी, कुएं जल दे रहे हैं, चारों तरफ भ्रमिता है, सब भूखे मर रहे हैं, प्राण त्याग रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं भगवान को। गई खबर भगवान के पास में, पहुंचे भगवान, सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी
उनको लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारायण से जाकर कहा, प्रभु कुछ कृपा करिए, सब हाहाकार मचा हुआ है, भूखे मर रहे, पानी नहीं है, अन्न नहीं है, प्यासे है लोग, अन्न का भाग नहीं मिल रहा, 25-25, 30-30 दिन हो गए, अन्न का भाग नहीं है, ना जल मिल रहा है, कुछ कृपा करिए, करुणा करिए। भगवान नारायण ने कहा चलो देवादिदेव महादेव के पास चलते। भगवान शिव जी के पास में गए, आवाज लगाई, शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन पुकारा, विनती करे, निवेदन करा, बार बार प्रार्थना करे, हे वाह सुनो तुझे, मुझे तेरा ही सहारा मेरे, हम तो सोचे थे कि मध्य प्रदेश के ही ऐसे हैं, और मालूम पड़ा कि गुजरात में भी हैं सर। जो भजन चालू पहले तुम खड़े हो गए। जय हो, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा, पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है
रे भोले बाबा। कब से ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। 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 शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी मारा, भोले बाबा जपो तेरी मारा। भोला सारे देवता मिलकर भगवान शिव जी के पास में गए। भोलेनाथ जी तो तप साधना में लीन थे। पूछा, क्या बात है, क्या हो गया, कैसे आना हुआ आपका यहां पर, कैसे पधारे हो? भगवान ब्रह्मदेव और भगवान नारायण ने कहा, पूरे ब्रह्मांड में अन्न की कमी हो गई है, जल की कमी हो गई है, ना भोजन मिल रहा है ना पानी मिल रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। प्रभु करुणा करिए, दया करिए, और जब तक आप कृपा नहीं करेंगे, आप करुणा नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। देवाधिदेव महादेव ने कहा, आप चिंता क्यों करते हो, जाओ सब, और सब जाकर भगवत स्मरण का जो सुख है उसमें लग जाओ, अपने अपने कर्म में लग जाओ। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छे से कह रही है। शिव महापुराण की कथा बहुत भाव से एक बात कहती है, और आप सबके लिए, हम सबके लिए कह रही है। कर्म प्रधान है, पर हम अपने कर्म से कभी पीछे मत रहो, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। काम छोटा से छोटा हो, चाहे कितना भी कैसा भी कर्म हो, उसको हमें करना है। और जब कर्म करने की ललकता होती है ना, तो व्यक्ति उसको आगे बढ़कर करता ही। एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अपने कर्म में लगा हुआ, माथा पच्ची का काम यहां नहीं। उस दिन बहुत बढ़िया, जब हम यहां से गाड़ी में से जाते हैं तो माताएं ऐसा करती है, आज हम कर लेते हैं, आज हम कर लेते हैं, ऐसी करती है ना। तीनों पंडाल और बाहर वालों भी, इतना इतना आनंद है, इतना आनंद। और जैसी तुम्हारी कड़ी मीठी है ना, ऐसे गुजरात वालों तुम भी मीठे हो, मिठास तो तुम में है, आनंदता रसतत्व भाव। बस ऐसा ही प्रेम मेरे शिव के प्रति, मेरे भोलेनाथ के प्रति, भगवान के प्रति बना रहे, यही जीवन का एक आनंद सुख है, यही रसतत्व है। महाराज
शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान देव अधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। शिव जी ने कह दिया तुम अपने कर्म में लग जाओ, कर्म प्रथम, कर्म प्रधान, कर्म करने से पीछे मत हटो, तुम मेहनत करो, कर्म करो, फल मेरा देव अधिदेव महादेव अवश्य देगा, ये निश्चित है, आप अपने कर्म से पीछे मत हटना, करे लगे बस। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अपना कर्म जरूर करो, अपनी मेहनत जरूर करो, का फल है, कर्म करो, खूब करो, मेहनत करने में बिल्कुल पीछे मत हटो, पर उस मेहनत के साथ में, उस मेहनत के संग संग भगवान देवाधिदेव महादेव का भजन भी करो। कारण जब कहीं आपको कहीं ऐसा लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं डाउन हो रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरा विल पावर कमजोर हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे बल प्राप्त नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत का भी फल नहीं मिल रहा है, तब मेरा देवाधिदेव महादेव उस जगह पर धक्का लगाने के लिए तुम्हारे पास होगा, ये निश्चित है। करो। शिव कथा कर रहे, भगवान देवाधिदेव महादेव ने कह दिया जाओ, सब जाओ और जाकर अपने अपने कर्म को लग जाओ। देवाधिदेव महादेव बैठे थे, देवऋषि नारद का आगमन हो गया। नारद जी ने पूछा महादेव जी से, बाबा आप कुछ करेंगे नहीं, पूरा पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है, अन्न नहीं है खाने के लिए, पानी नहीं है पीने के लिए, भूमि अन्न नहीं दे रही है, जल नहीं मिल रहा है, आप कुछ करोगे नहीं? देवाधिदेव महादेव ने कहा, भगवान शिव जी ने कहा, पहले मुझे देखने दो आखिर कारण क्या अपन पड़ गया ऐसा कि पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया, सरोवर बावड़ी कुओं ने पानी देना बंद कर दिया, कारण क्या बन गया ऐसा? भगवान देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर भ्रमण के लिए निकलना प्रारंभ किया। जैसे ही भ्रमण के लिए माता पार्वती को लेकर निकले और पार्वती मैया को लेकर जब निकले, क्या देखते हैं कि चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, लोग रो रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई के प्राण जा रहे हैं, कोई को अन्न नहीं मिल रहा, तकलीफ पर तकलीफ, तकलीफ पर तकलीफ सब भोग रहे हैं। देखा बड़ा दुख हुआ देवाधिदेव महादेव को, उन्होंने पार्वती जी से कहा, पार्वती तेरे से कुछ कहना है। स्वामी बोलिए, पार्वती गणेश जी को भूख लगी, कार्तिकेय को भूख लगी, जया विषहरा श्यामली बारी दौतली और देव इनको भूख लगी, अशोक सुंदरी को भूख लगी, तो तुम मुझको निकल गई थी और कुछ देर के लिए तू विधवा हो गई थी, वैधव्य हो गई थी, फिर अपनी नासिका से तूने मुझे प्रकट करा, मेरा नाम ध्रुमवान हुआ, तेरा नाम धूमवती हुआ, तू ध्रुमावती माता बन गई, मैं ध्रुमवान बन गया। पार्वती जरूरत है, पार्वती ने कहा प्रभु बोलो तो सही, मुझे क्या करना पड़ेगा, तू इस पृथ्वी के पास जा और पृथ्वी से पूछ कि आखिर वो अन्न क्यों नहीं दे रही है। एक स्त्री का भाव एक स्त्री ही समझ सकती है, एक नारी की दशा को नारी ही जान सकती है। मेरा कई बार आप लोगों से निवेदन करा है इस व्यासपीठ से, हमने आज फिर करते हैं, एक मां की दशा क्या होती है ये बहू को जानना चाहिए। जिस दिन तुम मां बनोगी, तुम्हारे भी बेटे की जब शादी होगी, जैसा तुम कर रही हो वैसी तुम्हारी बहू भी तुम्हारे साथ करेगी, उस माता की दशा को ध्यान में रखकर चल। हमने तो कह दिया कि सास बेकार है, सास में अक्ल नहीं है, सास तो ये गलत सोचती है, सास हमारा बुरा सोचती है, सास में बिल्कुल अक्ल नहीं है, सास हमारी ऐसी दिन रात गाली देती है। माना तुम्हारी सास को कह रही हो, आने वाले समय में तुम भी सास बनोगी और तुम्हारी भी बहू आएगी। तो एक कहानी
बहुत पहले सुनी थी, वो आपको सुनाने का प्रयास करता हूं। एक घर में बूढ़ा बाप रहता है, पत्नी रहती है, बेटा रहता है, पोता रहता है, पोती रहती है। जरा अच्छे से सुन लेना हो, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने यहां बैठे हैं, और जिन्हें नहीं सुनी हो वो भी सुन लेना, कभी तो सुनोगे टीवी पर। जब घर में रह रहे हैं, बहू ने अपने पति से कह दिया, तुम्हारे पिताजी बच्चों को पढ़ने नहीं देते। पापा ने ऐसा क्या कर दिया, पिताजी ने क्या कर दिया? अरे दिन भर खौं खौं लगा रहता, दिन भर खांसते हैं, कहीं कुछ हो रहा है इनको, कहीं कुछ हो रहा है, बच्चों को आवाज लगाते हैं, पानी ला दे, ये दे दे, वो दे दे, बच्चे कोई पढ़ता ना। मेरा एक कहना मानोगे क्या? बोलो। पिताजी को जो पीछे वाला कमरा है ना माली का, उसमें अपन पलंग लगवा देते हैं, एसी लगवा देते हैं, उसमें सब व्यवस्था कर देते हैं, भोजन पानी सब रख देते हैं, गर्म पानी का ये वो, गीजर वीजर सब लगवा देते हैं। आप पापा को वहां रख दो ना, और एक घंटी लगा देते हैं, पिताजी इसके देना कोई सामान चाहिए हो तो आप घंटी बजा देना, मैं जाके दे आऊंगी, तो यहां बच्चों का भी पीछा छूटेगा, पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, बेटे ने घंटी लगा दी, एसी लगवा दिया, कूलर वगैरह जो भी लगाना था, गीजर वीजर, पलंग डनलप का गड्ढा, फर्नीचर सब बना दिया, सब कर दिया, बेल लगा दिया, पापा ये घंटी बजा देना, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए सामान ले आएगी। रोज पिताजी घंटी बजा देते, बहू सामान ले देती। बेटे ने अपने पिताजी से कह दिया, हाथ जोड़ के निवेदन है, पापा आप उधर मत आना, उधर परेशान मत करना, घंटी बजाना वो आ जाएगी, दे देगी, आप मत आना पापा, आपको मेरी सौगंध है। बेटे ने पिताजी घंटी, डेढ़ दो महीने निकल गए, डेढ़ महीने के बाद में पिताजी ने घंटी बजाई, बहू नहीं आई, खूब घंटी बजाई, बहू नहीं आई, खूब घंटी बजाई, नहीं। पिता पानी को पीने को तरस गया, पानी भी नहीं है, भूख भी लग रही है, आखिरी में शाम हो गई, बहू नहीं आई, पिता पलंग से नीचे गिर गया, तड़पता रहा जाने के लिए, निकल कर नहीं गया, क्योंकि बेटे ने कसम दी थी। बेटा भले कसम ना निभाए, पर बाप कसम निभाना जानता है साहब, बाप कसम निभाना जानता है। गिर गया पलंग से नीचे, बेहोश पड़ा हुआ है बेटा। रात को घर पर आया, शाम को ऑफिस से उसने कहा, क्यों पापा को कुछ चाय पानी नाश्ता भोजन दिया? आज पिताजी ने घंटी नहीं बजाई, मुझे लगता है उनके पास रखा होगा, बहू ने कहा, उनके पास रखा होगा, मुझे लगता है। बेटा गया, पीछे बहू भी गई, पीछे बच्चे भी गए, जाकर देखा तो पिताजी पलंग से नीचे पड़े थे, बेटे ने पानी का छिट्टा दिया, बाऊजी बाऊजी पापा उठो, पिताजी उठो। बेटे ने उठाया, पिता ने एक घुट पानी पिया, पूछा, पापा आपने घंटी नहीं बजाई? पिताजी कहते हैं, बेटा मैंने घंटी तो खूब बजाई, पर मुझे लगता है घंटी के तार को उंदरा ने या चूहे ने काट दिया होगा, इसलिए बेचारी बहू नहीं आई। बहू को दोष नहीं दिया, घंटी के तार को उंदरा ने काट दिया होगा, चूहे ने काट दिया होगा, इसलिए बहू नहीं आई। और पिता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। पिता ने जब अपने प्राणों को त्यागा, तीसरा दिन हो गया, दसवें दिन घर की सफाई होने लगी, घर के छोटे छोटे बच्चे घंटी और घंटी के तार को निकाल कर जेब में रखने लगे। इतने में मां ने पूछ लिया, ये क्या कर रहे हो? बच्चे बोले, मां जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी, वैसे बहू आपके लिए लगाएगी, उसकी तैयारी करके रख रहे हैं, ये उसकी तैयारी है। माता पिता कितने भी अपशब्द कहें, ताने दे, गालियां दें, कितना भी कोसें, गलत से गलत कहें, पर निवेदन है, फिर भी आप शीतलता रखो, आप शीतलता रख लो। लड़ाई कर पति को लेकर अलग होना यदि आपको आता है, तो आने वाली पीढ़ी को तुम्हें वृद्धाश्रम भेजना आता है। इनको संगठित परिवार दिखाओ, इनको संग दिखाओ, अपना परिवार दिखाओ। जब तक ये अपना परिवार नहीं देखेंगे, मेरे ताता चाचा काऊ ये सब मेरे परिवार के, ये सब मेरे परिवार के, ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, ये सब मेरे नातेदार हैं, ये सब मेरा कुटुंब है। कल बहेड़िया परिवार कह रहा था, ये हमारे समाज के लोग नहीं है गुरुजी, ये हमारे परिवार के लोग हैं, अर्थात एक संगठन में दिखता है ना,
ये परिवार दिखता है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा कुटुंब है, ये बहनों ने जिन्होंने चाय झालावाड़ी सही सुतार ज्ञाति मंडल बड़ोदरा और सखी मंडल बड़ोदरा आज जो व्यवस्थाएं चाय आदि की दे रहे हैं, ये केवल मंडल नहीं है, ये इनका परिवार है, सब एक दूसरे के लिए प्राण देने को तैयार है, ये स्नेहता है, ये वात्सल्यता है, करुणता। शिव जी ने कहा नारी की दशा को नारी जान सकती है, आप जाओ पृथ्वी से पूछो कि आखिर कारण क्या है, ये अन्न क्यों नहीं दे रही, ये पानी क्यों नहीं दे रही, कारण क्या है, आखिर जाओ पृथ्वी से मालूम करो। मां पार्वती तुम अपने पुत्र गणेश जी कार्तिकेय जया विषहरा सामरी बारी दौतली देव और अशोक सुंदरी के लिए मुझे निगल सकती हो तो क्या संसार वालों का कल्याण नहीं कर सकती। घर का माता पिता एक ऐसे होते हैं, बच्चे ने पूरा पैसा वो क्रिकेट में लगा दिया, बच्चे ने पूरा पैसा डब्बे में लगा दिया, बच्चे ने पूरा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, मुंह उतार के बैठा है। मां ने पूछ लिया क्या हो गया, बोल नहीं पा रहा। दूसरों ने बताया ऐसा हो गया, मरने के लिए जा रहा था, हमने रोका। इतने में मां बेटे के पास आकर बोलती है, बाप अपने पुत्र के पास आकर बोलता है, क्या मरना, टेंशन मत ले, ये ले मेरे गले की चेन ले जा, बेचिया प्रॉपर्टी बेच दे, पर छोरा मरने का मत सोचना, तेरे पीछे पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। छोरे को यह सोचना चाहिए कि आज मेरे बाप ने मुझे बचा लिया, आज मेरी माँ ने मुझे बचा लिया, आज के बाद गलत काम नहीं करूंगा, अब मैं पथ पर चलूंगा, मेरे पिता के मार्ग पर चलूंगा, अब नहीं भटकूंगा। बहुत सारी कंपनियां खुल गई रे, इतनी नई नई कंपनी खुली है, तुम्हारा 1 करोड़ का 2 करोड़ कर देती है और थोड़े दिन बाद तुम्हें रोड पे कर देती है। ऐसा ऐसा गेम चल गया, इस गेम में जाओगे इतना मिल जाएगा, इस गेम में जाओगे इतना मिल जाएगा, जिसने गेम बनाया उसको आज तक नहीं मिला, बापड़ा तुझे निचोड़ने के लिए बनाया। और तुम समझ ही नहीं पा रहे, तुम कह रहे हो मम्मी, माँ कह रही है क्या करता रहता दिन भर मोबाइल पर, क्या करता रहता दिन भर मोबाइल पर, माँ कहे तो बुरा लगे, बाप कहे तो बुरा लगे, और जिस दिन खड्डे में गिर गया, कर्जे में डूब गया, पुलिस दरवाजे पर खड़ी थी, पकड़ कर ले जा रही है, अब रो रहा है माँ और पिता के पास में, ये गेम के चक्कर में हो गया, गेम खेल रहा था, सब चूना लगा दिया, कर्जे में लदा लूं, अब डायरेक्ट अकाउंट से पूरा पैसा कट गया, डायरेक्ट इसने यहां खेला और वो अकाउंट से गया, अब रो रहा है मर रहा है, कर्जे में लदा लूं मैं। और इतना कर्जे में डूब गया, फिर चले गया किसी महाराज के पास में, महाराज जी कर्जे में डूब गया, महाराज जी कहीं खा करेगा, संभलना तुमको पड़ेगा, संभलना तुमको है, महाराज को नहीं। दुनिया में जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खाने के लिए तैयार रहती है, ऐसे बहुत पड़े हैं तुमको निपटाने के लिए, पर जिसके घर में माता पिता भाई बंधु की एकता है ना, उसको निपटाने की दम किसी में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको मालूम है ये निपटा देगा अपने को। समाज की एकता होना चाहिए, समाज का संगठन होना चाहिए, परिवार में एकता होना चाहिए, परिवार का संगठन होना चाहिए, भाइयों में एकता होना चाहिए, भाइयों का संगठन होना चाहिए, देवरानी जेठानी में एकता होना चाहिए, इनका संगठन होना चाहिए, सहेलियों में एकता होना चाहिए, इनका संगठन होना चाहिए, किसी की दम नहीं कि निपटा दे। अकेला सर्विस क्लास व्यक्ति, अकेला व्यक्ति फ्लैट में रह रहा है ना, तो उसको देख लेते हैं, अकेला रह रहा है, इसकी पत्नी है, इसके बच्चे, इसका जो पैसा है वो निपटा जाएंगे, बड़ी मछली उसको देखती है, तुम अपने परिवार से अलग हुए और उसने निपटाने की सोची। तीन बेल एक साथ रहते थे, शेर आक्रमण करता था बेल उसे भगा देते थे, शेर फिर आक्रमण करता था बेल उसको भगा देते थे। एक दिन शेर अपने गुरु जी के पास गया, गुरु जी मुझे शिकार करना चाहो, कुछ बताओ कैसे करना, कहा डालने से क्या होगा, फूट डालेंगे तीनों अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, इनकी बल इनकी एकता खत्म हो जाएगी, जब बल खत्म होगा तो एक एक करके तीनों को निपटा दे। बहुत बहुओं को लगा रहता अलग रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, चलें क्या, अलग रहेंगे तो अच्छा लगेगा, अब कब तक इनके पास में रहेंगे, मम्मी दिन भर कोसती, पापा अनशन बोलते, भाई बंधु ऐसा बोलते, अलग रहेंगे तो अच्छा, समझ लो
उसने शेर ने खबर पहुंचा दी, एक बैल से कहा मैं तुझे नहीं मारूंगा, तू चिंता मत कर, तेरा भाई आया था, वो कह रहा था कि तू तो वैसे ही ऐसा है कि किसी काम करनी है, सारा काम तो तेरे भाई करते हैं, तू तो बैठा बैठा खाता है, तू कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, तेरे को खा के क्या करूंगा। बैल को बुरा लगा, उसने जाकर चुप रहने लगा, उसने कहा इनसे कोई मतलब नहीं, मेरी बुराई कर दी। उसने दूसरा बैल आया, उसको भी कुछ ना कुछ कह दिया, धीरे धीरे तीनों बैल आपस में दूर हो गए। अब मौका मिला, इसने एक को निपटा दिया, फिर दूसरे को निपटा दिया, तीसरे को खाने के लिए दौड़ रहा था, शेर ने बैल से कहा देख तुझे खा रहा हूं। इतने में बैल से कहा मालूम है क्यों तेरा शिकार हो रहा है? बैल कहता है मैं अच्छे से जानता हूं, क्योंकि हमारे भाइयों की एकता टूट गई थी, जब आपस में एकता समाप्त हो जाती है तो कोई भी शिकार कर सकता है, आप एकजुट होकर रहिए, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपका शिकार कर ले। समाज का संगठन रखिए, सनातन धर्मी जितने सनातन धर्म को मानने वाले हैं ये अपना संगठन बनाकर रखो एक साथ। पार्वती जाओ तुम पूछो जरा, पार्वती जी ने कहा मैं जाकर पृथ्वी से पूछो, हाँ पृथ्वी से पूछो कारण क्या है आखिर इसने जल अन्न देना क्यों बंद कर दिया, पृथ्वी के पास पूछे, माता पृथ्वी से कहा पृथ्वी तुम बताओ। पार्वती जी ने पूछा पृथ्वी तू अन्न क्यों नहीं देती है, तू पानी क्यों नहीं देती है, क्या कारण हो गया जो कुएं में बावड़ी में तालाब में सरोवर में पानी नहीं आ रहा, अन्न नहीं हो रहा, कारण क्या है? पृथ्वी ने कहा संसार के लोगों ने पाप करना प्रारंभ कर दिया, इतना पाप कर रहा है, इतना पाप कर रहा है तो मैं अन्न नहीं दे सकती, मैं नहीं दूंगी अन्न का एक दाना नहीं दूंगी, और ना मैं पानी दूंगी इनको पीने के लिए, अब इनको समाप्त करके रहूंगी। पार्वती जी ने कहा पृथ्वी तू मां है, मां बच्चा लात भी मार दे तो मां मां होती है, बेटा शब्द भी कह दे तो मां मां होती है, बेटा अगर गाली भी दे दे तो मां मां होती है, पूत कपूत सुने हैं पर ना जम के बोलो माता सुनी माता, हमने पूत कपूत सुने हैं पर मां को कपूत नहीं सुना, कुमाता नहीं सुना, मां आप बोलो कुछ कृपा करिए, कुछ करुणा करिए, कुछ दया करिए। कहा पृथ्वी ने कहा पार्वती आपने कहा है मां, वास्तवता है मां मां होती है, पर मैं नहीं देना चाहती, कभी कभी मां आपको सीधे सामान नहीं देती है, घुमा कर देती है, वो अपनी बेटी से कहेगी तेरा भाई कर्जे में हो गया है थोड़ा सपोर्ट कर दे मैं बाद में तुझे दे दूंगी, छोटे लड़के से कहेगी जा भाई को सपोर्ट कर दे मैं तुझे दे दूंगी, मां घुमा कर देती है। पृथ्वी ने कहा कि पार्वती मैया मैं नहीं दूंगी आप दे सकती हो, पार्वती जी ने कहा मैं कैसे दे सकती हूं, शिव जी पे चढ़ा हुआ एक लोटा जल, जब शंकर भगवान पर जल समर्पित होता है वो जल चढ़ने के बाद जलाधारी से घूमकर नीचे आता है, जमीन पर गिरता है, जमीन से जिस कुंड में जाता है, जिस स्थान पर जिस खड्डे में जाता है, उस खड्डे से माता पृथ्वी कह रही है मैं उस प्रसाद को ग्रहण कर लेती हूं, उस प्रसाद का पुण्य का भाग पार्वती मैं तुम्हारे खाते में देती हूं, जाओ तुम अन्नपूर्णा बनकर सब कुछ लुटा दीजिए। कौन से जल के भाग से माता अन्नपूर्णा का जन्म हुआ जरा देखिएगा, जरा पात्र में हम प्रसाद ग्रहण करते हैं ना, उस पात्र में जो थोड़ा सा प्रसाद चिपक जाता है ना, वो भी बर्तन मंजते समय जब पृथ्वी पर जाता है तो पृथ्वी उस भाग को लेकर पृथ्वी किसी भूखे का भी भोजन भाग प्रदान कर देती, इतनी कृपालु है माता पृथ्वी, इतनी दया करती। और सरल भाषा में समझो हनुमान जी का जन्म, खीर का कटोरा निकला, बोलो सही है, अग्नि देवता से, खीर के दो भाग हुए, माता कैकेयी ने लिया, माता कौशल्या जी ने लिया, यज्ञशाला में तीसरा बर्तन नहीं था, तब एक दोना पात्र आया, एक पत्ते का एक पात्र बनाया गया, उस पत्ते के पात्र में माता कौशल्या ने माता कैकेयी ने अपना अपना भाग उसमें दे दिया माता सुमित्रा को, सुमित्रा जी ने खीर खाई पत्ता पटक दिया और माता सुमित्रा ने वो पत्ता नीचे पटका, एक बांदरी उस पत्ते को चाटकर चली गई, उसका भी गर्व ठहर गया। यहां राम जी भरत जी शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी का जन्म होता है तो उस बांदरी के गर्व से श्री हनुमान जी का जन्म होता है, मात्र उस पत्ते का एक झूठा भाग ही चाट जाने पर, एक झूठे भाग को प्राप्त कर लेने पर उसका फल प्राप्त हो जाता है।
अन्नपूर्णा मैया का जो अवतार, आप लोगों से कई बार हम कहते हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हम कई बार समझाते हैं, कभी हम आपसे कहते हैं कि साहब ये बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाओ, कभी हम कहते हैं कि बेलपत्री की डंडी पीछे की ओर रखकर चढ़ाओ, कभी हम कहते हैं ये बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ा दो, कभी हम कहते हैं इस पर दूध का भाग लगाकर चढ़ा दो, कभी हम कहते हैं कि ये आखिर कारण क्या है, स्थान की मूलता है कि शिवलिंग, और शिवलिंग जब शंकर भगवान का शिवलिंग रखा और ये पानी जहां से गिर रहा है नीचे जा रहा है जमीन पर जा रहा है, वो जमीन का पानी जिस खड्डे में जा रहा है जिस जगह पर जा रहा है, वो पानी जहां गिरता है वो पृथ्वी उस भाग को ग्रहण कर उस प्रसाद को ग्रहण कर पार्वती जी को वो वर प्रदान कर देती है कि आप पूरी पृथ्वी का फल अन्नपूर्णा बनकर लुटा सकती हो, उस प्रसाद का इतना बल बन सकता है। कोई कहता है गुरु जी ये रुद्राक्ष का जो पानी होता है, इस रुद्राक्ष का जो पानी है, हम रुद्राक्ष को जो सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आते हैं, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लेकर आते हैं, इसको हम पानी में गला देते हैं तांबे के कलश में, फिर इस पानी को शिवजी को चढ़ाते हैं, वो पानी हम लेकर आते हैं उसको पीते हैं रोग की मुक्ति के लिए। आपका विश्वास मूल होना चाहिए, आपका भरोसा जड़ी होना चाहिए। और दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र। जम के बोलिए जरा, शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र। किसी को कितना भी शुगर ऊपर नीचे हो रहा हो, दो दिन उसको बेलपत्र शंकर पर चढ़ी लाओ, उसको चबा चबा कर खिला दो। अगर बेलपत्र खाने से मुंह में छार छार हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि छाले जैसा हो रहा है, तो उस बेलपत्र को सुखा कर पीस कर, नी भी सुखाओ तो ऐसी मल कर गोली बना कर खिला दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या कुंद कईश्वर महादेव का नाम लेकर, उसके बाद में शुगर की जांच कराओ, लेवल में मिलेगी आपको। इतना इतना बेलपत्र का बीपी शुगर थायराइड जितनी भी है, आप शंकर का भरोसा कर बस विश्वास पूर्ण होना चाहिए आपका, आपका भरोसा पूर्ण होना चाहिए, आपका विश्वास पूर्ण होना चाहिए। और जब तक विश्वास पूर्ण नहीं होगा तब तक कुछ मिलना मुश्किल। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती बाबा डोर हथो छी भोले में तेरी शिव कथा कर, भगवान शंकर की करुणा कर, भगवान शिव की कथा कर। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, घर के लोगों से निवेदन, जिन जिन के घर में शंकर भगवान का शिवलिंग विराज रहा है उनसे निवेदन करना चाहूं, इतना सा हो, बड़ा सा हो, छोटा सा हो, कंकर मात्र का हो, इतना छोटा सा भी हो, तो भगवान को निलाने के लिए जब बैठो, स्नान कराने के लिए बैठो, तब एक निवेदन जरूर है कि शिवजी का जो जल आप शंकर जी को स्नान कराओ तो एक अलग थोड़ा सा पात्र कर लो, एक छोटी सी प्लेट अलग कर लो, उसमें निला लो, निलाकर थोड़ा सा भी भाग अगर शंकर जी का हमको मिल रहा है, घर पर ही उसका जल अगर हमने छीट लिया है, थोड़ा सा आचमन कर लिया है, बच्चे जिद्दी हैं तो उनको भी अगर दे दिया है, या हमने तुलसी जी को छोड़कर दूसरे वृक्ष में भी डाल दिया है, उस वृक्ष की छांव भी अगर हमारे ऊपर पड़ रही है शंकर के चढ़े हुए जल की, तो ये निश्चित है कि हमारा कल्याण निश्चित होगा। घर में छोटा सा शिवलिंग तो सबके होगा, उठाओ रे जरा हाथ, किस किस के आए, सबके आए ना, हाँ धर लो बहुत बढ़िया, रख लो सबके आए, बस उसको अन्य देवताओं के साथ स्नान कराने की जगह एक छोटी सी प्लेट में रखकर स्नान, भले इतना सा पानी चढ़ाया वो बहुत उतना, तो बाबा देवादी देवाओं के लिए, महादेव के लिए एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अब एक लोटा जल तो महादेव को अपने घर में एक लोटे जल से स्नान ना कराकर थोड़ा सा भी कटोरी के जल से भी स्नान कराया तो उसने स्वीकार करा, वो तो एक बूंद जल के लिए इंतजार करता है तुम्हारा, एक बूंद जल दे दो। महाराज शिव कथा कह रही है, जहां पानी गिरा शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ शिवलिंग का जल पृथ्वी देवी में जब जाता है, खड्डे में जब जाता है, मैं हर जगह पर हम इस बात को कहते हैं और आज भी कह रहे हैं, जितने शिवालय हैं, जितने शंकर जी के मंदिर हैं, उन सबसे निवेदन है, आपके मंदिर का चढ़ा हुआ जल
या तो एक कुंड बना लो या एक खड्डा बना लो, उसमें जाना चाहिए, उसको नाली में मत बहाना। नाली में अगर गंदी नाली में शंकर का चढ़ा हुआ पानी जाता है तो दोष लगता है, वो गंदी नाली में नहीं जाना चाहिए। शिव जी पे चढ़ा हुआ जाए, एक खड्डे में चले जाए, एक गहरा खड्डा बना लो, पानी अंदर सोख लेगा, या फिर पाइप के द्वारा उसको पेड़ पौधे में डलवा दो, पर प्रयास करिएगा कि वो पानी नाली में ना जाए, गटर में ना जाए, गंदी जगह पर ना जाए, उस पानी का सदुपयोग, उस पानी का सदुपयोग। ये जितनी टूटी हुई मूर्तियां हैं, फोटो हैं, इधर उधर पेड़ के नीचे रख देते हो, यहां वहां रख देते हो, प्रयास करा करो इनको उठाकर या तो कहीं ऐसी जगह पर ले जाकर डाल दिया जाए जहां पर ये अच्छे से पूर्ण तरह से भूमि में मिल जाए, या फिर उनका कहीं ऐसी जगह विसर्जन हो जाए। नदी में भी डालोगे तो वो नदी पर पड़ी रहती है, गलती नहीं तो उसको ले जाकर एक जगह पर उसको रख दिया, एक जगह कोई खड्डे में उनको एकाग्रित कर लिया जिससे वो खाद के रूप में बन जाए और उसका अच्छा फल। हमारे देवताओं को हम जगह जगह रख दें तो ये अच्छी बात थोड़ी है। इंदौर में जीतू पटवारी जी ने कथा करवाई थी तो हमने उसमें मूर्ति के लिए कहा था कि गणेश जी का विसर्जन अच्छी जगह करना, तो लोगों ने इंदौर के लोग, अभी जब शुक्ला जी ने कथा कराई तो वहां पर लोगों ने लिखकर भेजा कि अब की बार जितनी भी मूर्तियां थी उन सबको नगर निगम ने बड़े अच्छे से लेकर गए और उनको अच्छे से विसर्जन किया। उसके लिए बहुत बहुत इंदौर नगर निगम को साधुवाद, इंदौर नगर निगम को उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने स्वीकार तो करा, उसको सुधारा संवारा और हर क्षेत्र के, चाहे एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, जो भी क्षेत्र की विधानसभा थी, सबने आगे रहकर सपोर्ट कर उन मूर्तियों को उठाकर सही जगह पर पहुंचाया। यह अपना भी फर्ज बनता है। जहां जहां राजनेता बैठे हैं उनसे निवेदन है, जहां पर भी धार्मिक मूर्तियां, जहां लोग पेड़ों के नीचे डाल जाए, फटा हुआ फोटो डाल जाए, नदी के किनारे डाल, उसको उठाकर एक जगह पर रखा जाए, रखो, संभालो, सवारो। शिव कथा कह रही है, अन्नपूर्णा देवी का प्रागट्य हो रहा है, पार्वती जी अन्नपूर्णा बनकर प्रकट हो गई, एक महल में जाकर माता पार्वती जी पाताल में बैठ गई, पाताल के अंदर जाकर मां अन्नपूर्णा विराजमान हो गई, शंकर भगवान पार्वती जी को ढूंढ रहे, गई कहां, गणेश जी से पूछा तो आप ही ने तो भेजा था उनको माता पृथ्वी देवी को समझाने के लिए, पृथ्वी मैया के पास शंकर भगवान गए, पृथ्वी मैया पार्वती कहां है, तो कह उसको तो मैंने कहा था कि तुम सबको दे सकती हो, मैं नहीं दूंगी, तो गई कहां, पाताल में चली गई। शंकर भगवान बोले कैलाश पे रहती रहती पाताल में इसका क्या काम पड़ गया, अब अचानक तुम घर पहुंचे और तुमने अपने बच्चों से पूछा क्यों मम्मी कहां है, और कोई कहते वो तो मॉल में गई है, तो मॉल में इसका क्या काम, अभी मॉल तो बंद हो रहा, क्या काम है इसका, गई। अब उसने गाड़ी उठाई, शंकर भगवान भी पहुंच गए, जैसे पति पहुंच जाए पत्नी के पास, शिव गए पाताल लोक में पहुंच गए। अब माता अन्नपूर्णा मैया माथे पर लाल रौली की बिंदी, मस्तक पर सुंदर बोर बंधा, नाक में नथनी, हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, क्या वस्त्र मां पहनी है, होठों पर लाली है माता के, नैनों में सुरमा लगा है मेरी मां के, बड़े आनंद के साथ अन्नपूर्णा मैया बैठी हुई थी, देव अधिदेव महादेव पहुंच गए। अब इन्होंने तो डायरेक्ट, अब बहुत बहुत अंतर आता है, देखो एक नारी एक पुरुष, आज के छोरा छोरी इतनी देर तक अपना चेहरा धोते रहते, घिसते रहते, घिसते रहते, घिसते रहते, घिसते रहते, इनको देखकर कभी कभी मेरे मन में आता है, तो मैंने एक दो बार आकाश से भी कहा कि आकाश इनको अगर एक पका हुआ चंदन की मुठिया दे दी जाए और कहा जाए शंकर जी के लिए चंदन घिसना है, तो इतनी बैठी इसमें से एक घंटा कोई चंदन नहीं घिसेगा, और इनसे कह दिया जाए तू काली काली दिख रही है तो अपना चेहरा घिसेगी, कहीं क्रीम नया लाया, तो एक घंटे तक वो पार्लर वाली क्या एक जैसी बैठी, घिसे जा, घिसे जा। सब चमकाने में लगे हैं, कोई दांत चमका रहा, कोई मुंडा चमका रहा, नखून में भी इतनी कारीगरी करेंगे, इधर से नीला दिखना चाहिए, नीचे से पीला दिखना चाहिए, इतनी कारीगरी, और उसमें भी ऐसी सफेद वाली से ऐसी टिप टिप मारे, ऐसी टिप टिप,
और फिर देखा तो उनका नखून और इतनी कारीगरी, इसमें पीला, इसमें हरा, वारी चंद्र घंटा, गजा, क्या कारीगरी। और फिर उसका नखून कोई नहीं देखे तो बार बार इतना तुम पता, इतना तुम चेहरा घिसो, हाथ पैर घिसो, और कहीं का तुमसे कह दे रही नवनाथ महादेव का दर्शन करने जाना है, एक घंटा चंदन घिसो, एक नहीं घिसेगी है। देखो फालतू के काम बंद करो, घिसा घिसाया चंदन की डिब्बी मिलती है, डब्बी लिया और लगाओ। जैसे तुम चंदन की डब्बी लाते हो आज के जमाने में, इसलिए डायरेक्ट फेशियल करने का भी डब्बी आ गई, उसको तुम्हें डायरेक्ट बस ऐसा पोत लो और दो ककड़ी धर लो, तो बात खत्म। अब इनसे कोई चंदन घसा, इनसे कहा जाए कि चंदन घसो तो घसे, शिव जी को लगाना है, ये अपने आप तो घस लेगी पर चंदन नहीं घसे। महादेव ने कहा इनके पास चंदन घिसने का भी समय नहीं है, इनके पास कोई समय नहीं बचा। शिव जी कहते हैं बस इतना समय निकाल लेना, एक लोटा जल लेकर मेरे पास आ जाना, उतने में कल्याण कर दूंगा, बहुत समय लगाने की जरूरत नहीं, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, केवल जल भी चढ़ाया तो उसमें मेरी पूर्ति है। माँ अन्नपूर्णा देवी के पास में देवती देव महादेव ने जाकर आवाज लगाई, अन्नपूर्ण हे पार्वती, हे पार्वती। पार्वती कोई सुन रही, पार्वती तो अन्नपूर्णा बन गई, अब काय को सुनेगी। अब इनका असली नाम अन्नपूर्ण पार्वती है और बाकी का ऊपर का नाम क्या है, जम के बोलो, अन्नपूर्णा। अब ये पार्वती पार्वती बोल रहे, पताल लोक में कौन सुन रहा है इनका, कहां की पार्वती। कभी कभी ऐसा हो जाता, जैसे एक वो हलवाई को हनुमान जी बना दिया और रावण ने पूछ लिया कौन है तू, उसने कह दिया मैं नाथूराम हलवाई। अब उसको कहना था कि मैं हनुमान, और ओरिजिनल पर पहुंच गया। अब शिव जी कह रहे हैं पार्वती, पार्वती सुनती नहीं क्योंकि माता अन्नपूर्णा बनकर बैठी है। शिव जी को क्रोध आ गया, वापिस आ गए देवाधिदेव महादेव वापिस आए, और रात ऐसे ही उन्होंने तुरंत पृथ्वी देवी से पूछा क्या बात है, ये पार्वती बोलती क्यों नहीं है, पार्वती को हुआ क्या है। तो कि ये ऐसे बोलने वाली नहीं है, संसार का भरण पोषण करने वाली बनी है, सबका पेट भरने वाली बनी है, तो सबका पेट भरने वाली बनी है तो इसके भीतर अहंकार आ गया क्या। अहंकार नहीं आया है, महादेव आप अन्नपूर्णा के पास जाओ तो ये सोचकर मत जाना कि अपनी पत्नी के पास जा रहे हो, अन्नपूर्णा के पास जाओ तो ये सोचकर जाना कि संपूर्ण विश्व के कल्याण का पेट भरने के लिए माता से भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हो, आप जाओ अन्नपूर्णा के पास भिक्षा मांगने जाओ। गए देवाधिदेव महादेव, पहुंच गए, माता भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, अन्नपूर्णा महारानी के सम्मुख में भिक्षा मांगी जा रही, भिक्षा दे दो, भिक्षा दीजिए। सुना अन्नपूर्णा मैया जो अंदर सिंहासन पर पताल लोक में बैठी थी आई, आते से उन्होंने तुरंत शिव जी को देखा, देखकर अक्षत की भिक्षा माता पार्वती जी ने, माता अन्नपूर्णा ने शिव जी के पात्र में दे दी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, अन्नपूर्णा जो शिव की प्रिया है, शंकर की आनंद देने वाली है, वो शिव जी के पात्र में भिक्षा प्रदान करती हैं। भिक्षा मिलते ही देवाधिदेव महादेव उस पात्र को लेकर जाते हैं, उस पात्र में से एक चावल का दाना उठाकर देवाधिदेव महादेव उस चावल को प्रसाद के तुल्य भूमि पर देते हैं। भूमि पर दिया भी तो कहां दिया, तो कहते हैं एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक चावल, एक बट वृक्ष के नीचे एक चावल, एक आंवले के वृक्ष के नीचे एक चावल, एक शमी के वृक्ष के नीचे एक चावल, एक रुद्राक्ष के वृक्ष के नीचे एक चावल, पीपल के वृक्ष के नीचे एक चावल। ऐसे देवाधिदेव महादेव ने अन्नपूर्णा से लिए हुए भाग को जब इन स्थानों पर दिया, अपनी जटा से गंगा को बहा दिया, पूरी पृथ्वी फिर अन्न से परिपूर्ण हो गई और संसार का उदर पोषण कर दिया, उदर पोषण। ऐसी माता अन्नपूर्णा शिव कथा कह रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर जो आनंद की अनुभूति कराने वाले हैं, भगवान शिव जो आनंद देने वाले हैं, उनके जीवन का सबसे बड़ा तत्व रस यही है कि वो किसी को भूखा नहीं देख सकते,
उन्होंने पार्वती से कह दिया तू रूप बदल कर जा, पर जा और पेट भर संसार सागर का, और भूखा नहीं थे। उसका नाम है विश्वनाथ, किसी को अनाथ नहीं छोड़ सकते, वो है विश्वनाथ सोमनाथ केदार नाथ श्री नाथ चार भुजा नाथ। नाथ का मतलब है कि अनाथ नहीं है, और आपको तो खुश होना चाहिए, इधर चार भुजा सांवरिया नाथ है, उधर द्वारका सोमनाथ है, बीच में तुम हो, इससे बढ़कर और क्या चाहिए, कोई अनाथ नहीं, सब उसके भरोसे, सब उसके भरोसे, सब उसके भरोसे।